अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का मज़ेदार व्लॉग मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर जी, कि जब हम करते हैं ना ड्रिल के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, जब कोई बारिश आ जाए या इस तरह का कोई भी सीन हो जाए, तो मसला ये होता है कि इसमें ना ये जो आप टिबे देख रहे हैं मिट्टी के, वो कपास के पौधे पैदा नहीं होते, उनको बोलते हैं स्लैक में टक। हमें यानी कि दोबारा संभाल करनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है कि यार कौन कौन सी जगह पे बीज नहीं होगा, तो उस जगह पे हमें ना दोबारा बीज लगाना पड़ता है ताकि जो पौधे मिसिंग हैं वो दोबारा पैदा हो जाए। क्योंकि यार एक एक पौधे पे 2 किलो कपास भी आए तो भाई कितने की बनती है, आप हिसाब बनाते रहेगा। अभी आपको दिखा रहा हूँ टक लगते क्या वाला गैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मट्टी हटाएगा, जो नीचे गीली मट्टी जैसे कहते हैं कि सेक सेक, ये वाली ये तर मट्टी है, इसको ये उखाड़ेगा, इसमें लगाएगा बीज। सर जरा बीज लगाएगा इसमें, प्लीज़ दिखाइएगा। हमें ये भिगो के रख रखा है बीज ताकि थोड़ा जल्दी बाहर निकले। ये इसके ऊपर मिट्टी, क्या बात है, ये चीज़ ये लग गया हमारा टक। इसी तरह से आप देखें काफ़ी सारे लगे पड़े हैं, ये जहाँ जहाँ पे आपको मिट्टी की टिबियाँ नज़र आ रही हैं वहाँ वहाँ पे अब टक लगा चुके हैं। टक लगाने के लिए जी मैं हूँ और मेरे साथ साथ हैं ये खूबसूरत आमिर भाई, खूबसूरत आमिर भाई, और उसके साथ साथ हैं जी ये इरफान भाई। तो जी अब काम स्टार्ट करें क्योंकि टाइम बिल्कुल देखना अब गोज टू एंड हो चुका है। ये देखो ऊपर से आप झार वाल भरे हुए थे, किधर आ गया किधर, सारी मेहनत जाए। हाँ ये देखे ना, ये बादल काफी बने हुए हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि भैया अगर दोबारा बारिश आ गई तो ये ना इनके ऊपर से फिर वो क्या जाता है ध्याती में, ऊपर से गप आ जाता है, ऊपर से गप आ जा नहीं ऊपर से खंगर आ जाता है, खंगर तो नीचे से वो पौधा बाहर निकलता है, उसके ऊपर ऐसे ना स्ट्रॉन्ग सतह आ जाती है, लेयर्स आ जाती है, उसकी वजह से बीज बाहर नहीं आता। मेडा सोना सरैकी सलोमो। ओ वाह यार, ये आप मुझे एक बात बताया मुझे, ये आपको किसने मशवरा दिया कि आप ये अपनी दाढ़ी मूछें दोनों उड़वा दें। मेरे बात है ऐसी, अब मूछों पे हाथ क्यों लगा रहा, कुछ है नहीं भाई, वो आधा सी हो गई थी ना क्या, बस मूछें जरा, हम मैं शहरी स्टाइल में आना चाहता हूँ, मैं जाना यानी कि सरैकी सलोमो खत्म। अभी तो सरैकी, हाँ सरैकी खत्म, क्या वजह सरैकी सलोमो क्यों खत्म, ना सरैकी हो सी याद सरैकी है शहरी भी सरैकी भी ए, क्यों होते पत्थर पत्थर केड़ी वजह से भरा पत्थर यार, यहाँ गर्मिया ती खपत थी दी है ही गल ब्लेड पर सीधी गाल कर भी सोना बना दिखा दे, हां सोना हाय हाय हाय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नालियां रह रही हैं, 14 नाले के बाद हम लगा देंगे 5 कनाल जमीन के टक, उसके बाद हम जाएंगे घर क्योंकि बीज भी थोड़ा सा रह गया। और देखे ना माशाल्लाह से शाम भी हो रही है, तो मैं अभी वीडियो इसलिए स्टार्ट किया कि आपको दिखाऊं कि भाई जब देहात में शाम होती है, इवनिंग होती है, हल्की हल्की सी यानी कि सूरज ग्रूब होता है, तो उस वक्त माहौल कैसा होता है। आज यार बादल है, बादल की वजह से थोड़ा माहौल इतना इंजॉयबल नहीं, पर फिर भी बहुत ज़बरदस्त। देखे ना यार आप क्या कर रहे हैं, दोए से हो गया इस तरह से। आप हांप क्यों रहे हैं, हांप के मतलब साक का ना थकावट, थकान की वजह से बंदा फिर साकता है। हां और नहीं होता है बाबा, ये ऊपर से आपने यूं थप थप क्यों करा, मिट्टी प्रेस है, प्रेस से क्या होता है, माशाल्लाह से। जी व्यूवर्स ये देखें कि अब टाइम काफ़ी एंड हो चुका है, मगरिब की अजानें भी हो रही हैं, तब भी हम जाते हैं घर, और तकरीबन 5 कनाल ज़मीन के तक हम लगा चुके हैं और बाकी के लगाएंगे कल। तो ये होता है मकसद, ये था कि शॉर्ट व्लॉग बनाने का, कि आपको बताता जाऊँ कि भाई कपास की बिजाई में एक प्रोसेस टक का भी आता है, तो आज हमने आपको दिखा देगा बेटा ये कैसे पकड़ना यार, मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो टक का प्रोसेस भाई जान ये होता है, हम लगा चुके हैं, अब दुआ कीजिए कि ये टक हमारे पैदा हों, और सही थे ऐसे ड्रिल वाले पौधों से भी ज़्यादा ये पौधे बड़े हो जाएं, ये दुआ करवा रहे हैं हम आपसे। और ये थी हमारी आज की मज़ेदार और दिलचस्प छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो लगी आपको अच्छी तभी कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी लगा प्रेस कीजिए ताकि मजीद नई वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच रहे। सो नए व्लॉग तक दीजिए हमें ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।